अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अरे हम तो भाई साहब रोज आए हमारे पास देखा है, तो ये इच्छा हुई कि चलो हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर उनके आशीर्वाद लाएंगे, दर्शन कर लाएंगे, बस ये सौजन्य भेंट के नाते हम लोग आए कि चलो। तो हमने कहा चलो एक दो बढ़िया रहा है, आप लोग 1 अक्टूबर को आमंत्रित है निमंत्रण को, भाई साहब के सानिध्य में होगा है सब कुछ, भाई साहब ये करवा रहे हैं, ये कार्यक्रम होना चाहिए और इनका प्रचार प्रसार अच्छा होना चाहिए, पता पड़ेगा इस साल के बाद जो है सब कुछ होगा। जो आप लोगों से सलाह मिल रही है, आप लोगों से जो मिल रही है उस हिसाब से जो है सब सब होगा, बस ये साल नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, बस इनके लिए आपके मन में करना तो आप ये विश्वास ये सब डेकोरेशन में लगे। हाँ नहीं अच्छी बात, पंडित जी आप इस तरफ आओ, ठीक है आप इस तरफ। ये ऐतिहासिक क्षण होते हैं हम लोगों के लिए, जिंदगी का बहुत। आज हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हम बैठे हैं महाकवि अवधेश की सिरमणा कुटिया पर, और हमारे साथ हैं हम सबके मार्गदर्शक अग्रज और देश के वरिष्ठ नामचीन साहित्यकार कवि शायर श्रद्धेय मदन मानव जी। आज हिंदी दिवस पर एक सौजन्य भेंट के रूप में मेरे साथ आए मेरे साथी मित्र पत्रकार प्रेम कुमार गौतम जी, मेरे सहयोगी आदरणीय प्रदीप कुमार पांडे जी, और आज हिंदी को लेकर के हमने आदरणीय मदन मानव जी से जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो समझा है, उसको जीने की प्रेरणा ली है कि हम उस हिंदी के संस्कारों को अपने जीवन में कैसे उतारें। एक ऐसे साहित्य शिल्पी, शब्द शिल्पी को आज हम एक अपनी ओर से उनके सम्मान में, अब उनका सम्मान तो वो दिनमान है, उनको हम क्या सम्मानित कर सकते हैं, बस एक विनम्र भेंट उनके चरणों में, उनके सम्मान में हम सब भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ईटीवी के संवाददाता वरिष्ठ गीतकार कवि भाई लक्ष्मीनारायण शर्मा जी।